मगर भाई मेरी बात अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अब बस भी कर दो। जानती हो तुम दुनिया की दूसरी लड़की हो जो बोलती ज्यादा हो मगर बगैर किसी मतलब के। हाँ, इस बात का क्या मतलब हुआ? ये आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? क्या मतलब है, कौन है वो पहली लड़की? तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में कमेंट्स पास करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वाकई तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? चलो बच्चों, मेज पर खाना लग गया है। भाई अब तुम लोग बातें बंद करो, देखो दादा को भूख लग रही है और खाना भी लग चुका है। लग चुका है। मेरे हाथ तो ना बहुत ही गंदे हो रहे हैं, धोने चाहिए ना खाने से पहले हाथ? और धोना तो जरूरी होता है ना। तुमने भी हाथ नहीं धोए ना डेफने? नहीं, मुझे लग रहा है कि तुमने भी नहीं धोए। चलो फिर चलते हैं। भाई आप तो बैठ जाइए, और दादा आप तो पहले से ही हाथ धोकर बैठे हैं, हम हाथ धो लें जरा। हाँ ना, मैं भी हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाती हूँ। तो आते हैं हम। बताओ कुछ पता लगा? यशम, इस घर में तुम्हारी अम्मी का एक डिब्बा है। कैसा डिब्बा? डिब्बे की क्या कहानी है? इतना मैं नहीं जानती, बस मुझे अभी तक इतना ही पता चला है। तो अम्मी क्या उस डिब्बे में है? हाँ यशम, हो सकता है कि वो जिंदगी से थक कर उस डिब्बे में आराम कर रही हो। आई लगता है तुम्हारा दिमाग मेरे भाई ने बिल्कुल खराब कर दिया है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि उसमें मेरी माँ की चीजें हो सकती हैं ना यार, वो कह रही थी। तुमने अपना दिमाग कम चलाओ सरा, पता नहीं कि काम कर भी रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ मेरे भाई के ख्यालों में खोया है। अच्छा ठीक है, जो भी तुम कहना चाहती हो समझ गई हूँ। सोचो क्या कभी तुमने कहीं पर भी ऐसा कुछ देखा है जो तुम्हारी अम्मी का हो सकता है? मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है यार। वाकई में ना? सच में? ठीक है, ये सोचो कि कहाँ होगा वो भी, कहाँ मिल सकता है हमें, या उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे हम तुम्हारी अम्मी तक पहुंच सकते हैं। हाँ है डेफने, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम है जो भी तुम बातें कर रही हो ना वो सब। मेरा मतलब, हाँ शायद बचपन में देखा था लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा उस बारे में। भाई के हाथ में देखा था लेकिन उसके बाद मैंने नहीं देखा, और जिस डब्बे का मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ रखा है, उसे मैं ढूंढूंगी कहाँ से? हाँ ये क्या बात हुई यार, अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अगर वो डब्बा अब भी घर में है ना, तो फिर वो जरूर भाई के कमरे में होगा, वरना इतने साल में वो डब्बा कभी ना कभी तो मेरे सामने आता। या तो वो नहीं है, या फिर मेरे भाई ने, या फिर तुम्हारे भाई ने उसे कहीं छुपा दिया है। उसका कमरा। डेफने मेरी जान, तुम जल्दी से मेरे साथ वॉशरूम चलो और इसे धो लो, कहीं दाग ना पड़ जाए। नहीं नहीं मेरी प्यारी आपा, आप मेरी फिक्र नहीं करें, आप आराम से बैठे सूप पिए, मैं खुद ही जाकर इसे धो लूंगी। ठीक है,
अरे हाँ हाँ मेफ्तुनापा, परेशान नहीं हूँ, बैठ जाइए आराम से। डेफनी जाओ जल्दी से साफ करके आओ। हाय बेचारी, देखो तो कितनी प्यारी जीन्स पहनी है, दाग ना गया ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। अरे ये जीन्स तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, मैं इसे जल्दी से जाकर धो लूं कहीं दाग ना रह जाए। इसी कमरे के अंदर छुपाया होगा, मगर एग्जैक्ट जगह के बारे में तो कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं कि उसने कहाँ छुपाया है, मगर होगा इसी कमरे के अंदर। जल्दी से हर जगह देखनी होगी। कहाँ है? मैं किसी भी तरह से आज ढूंढ के रहूंगी। आहा, हो ना हो उसने इस टेबल के अंदर ही छुपाया होगा। डेफने, क्या है यहाँ, क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी जीन्स वॉश करने आई थी। दाग ऊपर दो वॉशरूम्स बने हुए हैं, मुझे बस यही वाला याद था। यही वाला क्यों याद था? हाँ तो फिर क्या हुआ? कुछ भूल रही हो तुम। क्या? दाग। हाँ क्या दाग? तुम्हारी जींस पर जो दाग है साफ नहीं हुआ अभी। डेफनी तुम्हारी कॉल आ रही है। हेलो। हाय देयर। हाँ